नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। एक बड़ी खुशखबरी आ गई है निकल के, 9000 TGT टीचर्स के रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है। और इस रिक्रूटमेंट में वैकेंसियां शामिल हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत और उर्दू की, और इसके अलावा सिंधी की भी यहाँ वैकेंसियां हैं। तो बड़ी अपडेट आ गई है शिक्षा मंत्री की तरफ से। चयन आयोग को तो पत्र लिख ही दिया गया है, उसी के साथ साथ जो महाधिवक्ता हैं उनको भी एक पत्र लिखा गया है। तो पूरी न्यूज को हम बिल्कुल विस्तार से देखें। उससे पहले एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी छोटी बड़ी अपडेट्स आप तक प्रोवाइड कराई जाती हैं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और पूरी न्यूज को बिल्कुल विस्तार से देखते हैं। ये देख लीजिए, बड़ी अपडेट आ रही है, 9000 पदों की यहाँ बात है। राज्य के 9000 बेरोजगारों को जल्द ही नौकरी मिल सकती है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की राह में आ रहे पेच को सुलझाने के लिए शिक्षा मंत्री ने RPSC व महाधिवक्ता को पत्र लिखा है। शिक्षा विभाग के पास राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज आते ही जांच प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को मंडल आवंटित किए जाएंगे। पूरी कवायद को देखते हुए माना जा रहा है यदि न्यायालय से भर्ती को हरी झंडी नहीं मिल पाती है तो अस्थायी आधार पर मंडल आवंटित होंगे। पदों का विवरण इस प्रकार से है, संस्कृत के 2029, SST के 1954, हिंदी के 1568, विज्ञान के 1172, अंग्रेजी के 819, गणित के 727, उर्दू के 118, पंजाबी के 93, सिंधी के 4 और TSP में 838 पद हैं। तो क्या क्या पेच हैं इस भर्ती में, ये पेच सुलझाने में जुटा है शिक्षा विभाग। पूर्व सैनिकों के पदों पर शीघ्र सुनवाई, पूर्व सैनिकों के पदों पर मामला न्यायालय में विचाराधीन है। शिक्षा मंत्री ने महाधिवक्ता को पत्र लिख दिया है, जल्दी सुनवाई की आस है। उसके बाद फार्म भेजने को कहा, शिक्षा मंत्री ने लोक सेवा आयोग को पत्र भेजा है। अगले सप्ताह तक चयनित अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन फार्म मिलने की संभावना है और अटकी जांच प्रक्रिया पूरी होगी। इस महीने के अंत तक सभी चयनितों के आवेदनों की जांच के बाद मंडल आवंटन की प्रक्रिया पूरी होगी। तो दोस्तों, एक ये बड़ी ही अच्छी अपडेट आ गई है निकल के, अगर लॉकडाउन के समय में भी शिक्षकों की अगर ज्वाइनिंग दे दी जाती है और प्रोसेस आगे बढ़ाया जा रहा है तो इससे अच्छी कोई भी बात नहीं है। तो ठीक है, यही एक अपडेट आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। इससे जुड़ी हुई कोई और न्यूज आएंगी वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो लगा है अच्छा तो इसे कीजिए लाइक और शेयर। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।